बड़ियाल्टा घाटी में पैराग्लाइडिंग के लिए साइट डेवलपमेंट का काम शुरू। माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की मंजूरी मिलते ही घाटी में शुरू होगी नियमित पैराग्लाइडिंग। उपमंडल मुख्यालय संगड़ा से करीब 11 किलोमीटर दूर स्थित बड़ियाल्टा घाटी में पैराग्लाइडिंग के लिए साइट डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। गत 9 व 10 दिसंबर को यहां बीड बिलिंग से आए पायलट द्वारा कई सफल टैंडम व सोलो उड़ानें भरी जा चुकी है। घाटी में मौजूद मानव हिल रिजॉर्ट से संगड़ा चाड़ना मार्ग पर मौजूद लजवा गाँव के लिए पैराग्लाइडर्स द्वारा करीब 25 मिनट तक की उड़ानें भरी गई। पैराग्लाइडर्स द्वारा यहाँ मानव परिंदों के उड़ान के लिए हवा का दबाव उपयुक्त बताया गया है। घाटी में मानव हिल नामक रिजॉर्ट चला रहे बीडीसी संगड़ा के अध्यक्ष एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व उप निदेशक मेलाराम शर्मा द्वारा यहां साइट अप्रूवल के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ पर्यटन विभाग को आवेदन किया गया था। जिला पर्यटन अधिकारी सिरमौर द्वारा उक्त पैराग्लाइडिंग साइट की अप्रूवल से पूर्व यहाँ निरीक्षण के लिए अटल बिहारी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली को लिखा जा चुका है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द यहाँ मानव परिंदे उड़ान भरते दिखाई देंगे और बड़ियाल्टा घाटी का नाम साहसिक पर्यटन के मानचित्र पर दिखेगा। पंचायत समिति संगड़ा के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा ने बताया कि यहाँ पैराग्लाइडिंग शुरू होने से न केवल क्षेत्र का पर्यटन विकास होगा बल्कि क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आज हम यहाँ संगड़ा तहसील के हरिपुर धार के निकट बड़ियाल्टा नामक स्थान पर उस साइट को डेवलप कर रहे हैं जहाँ हमने पिछले दिनों पैराग्लाइडिंग के सफल ट्रायल कराए थे। और चूंकि हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट को लेटर लिखा है ताकि यहाँ पे इसको आधिकारिक तौर पे और ऑफिशियल तौर पे इसको अनुमोदित किया जाए इस साइट को, तो टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर सरमौर ने माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट को भी लेटर भेज दिया है और वहाँ से जो कमेटी इस काम के लिए जो है गठित की गई है सरकार द्वारा, उस कमेटी से डेट निर्धारित करने का आग्रह किया गया है। तो उस कमेटी की डेट जैसे ही हमको मिलेगी उससे पहले हम इस साइट को डेवलप कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो है कमेटी के आने से पहले इस साइट को उड़ान के लिए किया जाए और जब यहाँ कमेटी आएगी उनके सामने जब उड़ान होगी ताकि उसमें कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, तो इसके लिए हम यहाँ आज डेवलप कर रहे हैं साइट को। और साथ में हमने वो साइट भी डेवलप कर दी है, नीचे गांव में है यहाँ से कोई 12 किलोमीटर नीचे जहाँ पे लैंडिंग होनी है, तो वहाँ पे भी हमने साइट डेवलप कर दी है। तो हमें उम्मीद है कि शीघ्र जो है जो सरकार की कमेटी है वो इस साइट को पैराग्लाइडिंग के लिए अनुमोदित करेगी और यहाँ से हम जो है फिर बाद में कमर्शियल तौर पे जो है पैराग्लाइडिंग शुरू करेंगे और इससे जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने संगड़ाह में व्यापारियों के लिए आयोजित किया जागरूकता शिविर। विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अतुल कायस्थ ने दी फूड सेफ्टी संबंधी नियमों की जानकारी। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा विश्राम गृह संगड़ाह में आज व्यापारियों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर अतुल कायस्थ ने मौजूद व्यापारियों को फूड सेफ्टी संबंधी नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किराना मिठाई तथा अन्य खाने पीने की वस्तुओं संबंधी दुकानों, होटल, ढाबों तथा मीट विक्रेताओं आदि के लिए फूड सेफ्टी लाइसेंस बनाना जरूरी है। उक्त लाइसेंस ना बनाए जाने की सूरत में 5,00,000 तक का जुर्माना तथा 6 माह तक की सजा हो सकती है। इस दौरान लोक मित्र केंद्र अथवा CSC संगड़ाह रजाना व बाउनल के संचालकों द्वारा दुकानदारों के फूड सेफ्टी लाइसेंस संबंधी पंजीकरण भी किया गया। व्यापार मंडल प्रधान रणजीत चौहान ने बताया कि बस अड्डा बाजार में मौजूद 200 से अधिक दुकानों में से 80 के करीब लोग खाने पीने की चीजें रखते हैं और सभी दुकानदार इस शिविर में मौजूद थे। आज यहाँ संगड़ा में हमने खाद्य सुरक्षा विभाग में फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन का एक कैंप ड्राइव आयोजित किया। तो पिछले शाम से ही हम यहाँ आ चुके थे, हमने व्यापार मंडल के साथ समन्वय बिठा के पूरे व्यापारी बंधुओं के साथ चर्चा करके शाम को इनको यहाँ PW रेस्ट हाउस में आमंत्रित किया था। इस हॉल में हमने व्यापारी बंधुओं के लिए जितनी भी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बताया है। हमारे साथ में साइबर एक्सपर्ट भी थे जो यहाँ के लोकल पंचायतों से, 3 साइबर कैफे वाले थे, कॉमन सर्विस सेंटर वाले, जिन्होंने मौका पर ही लोगों की रजिस्ट्रेशन को अपलोड किया है और विभाग जल्द ही इनको जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस को जारी करते हैं। साथ ही साथ रिन्यूअल की क्या प्रक्रिया रहती है इस बारे में व्यापारियों को अवगत कराया गया तथा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेना क्यों जरूरी है इसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ना लेने के कारण खाद्य सुरक्षा कानून में किस किस्म की पेनल्टीज और जो जुर्माने का जो प्रावधान है
उसके बारे में भी इनको अवगत कराया। और भी जितनी भी इनकी व्यापार मंडल की तरफ से कोई क्वेरीज थी उनका हमने यहाँ पे प्रॉपरली एड्रेस किया है और उनको उस चीज़ का मौके पर ही निवारण किया है। आगामी समय में भी हम चाहेंगे कि हम यहाँ पे आएँ और इनका व्यापार मंडल का जो हमें सहयोग मिला हुआ है, खासकर जो यहाँ के प्रधान हैं श्रीमान रंजीत चौहान जी, इन्होंने इस कार्यशाला को, इस कैंप को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत सहयोग दिया।